माखन चोर नंद किशोर भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव की तैयारियों की धूम हर तरफ है। ऐसे में इस बार जन्माष्टमी पर घर घर सजने वाली झांकी में बनारस के कास्ट कला की खूबसूरती का अद्भुत नज़ारा भी देखने को मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण के जीवन लीला पर आधारित तमाम प्रसंगों को कलाकारों ने खिलौनों पर उकेरा है, जिसकी खासी डिमांड देश भर से है। 84,000 झांकियाँ अब तक बिक चुकी हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण के माखन चुराते, गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाते, कालिया नाग पर बांसुरी बजाते, गोपियों के कपड़े चुराते और कंस वध के साथ तमाम लीलाओं को दर्शाया गया है। कास्ट कलाकारों ने पहली बार इतने लीलाओं को तैयार किया है। इस काम से जुड़ी सुभी अग्रवाल ने बताया कि इस काम में दर्जनों महिला कारीगर पिछले 5 महीनों से जुटी हुई हैं। छोटे बड़े सेट में भगवान श्री कृष्ण के इन लीलाओं को लकड़ी पर उकेरा गया है, जिसकी डिमांड देश भर के अलग अलग शहरों से लगातार आ रही है। इसमें मुंबई, गुजरात, पुणे, बिहार सहित अन्य कई शहर शामिल है। बात यदि इनके कीमत की करें तो 200 रुपये से लेकर 500 रुपये तक इन झांकियों की कीमत है। सुभी ने बताया कि 100 साल पुराने इस कास्ट कला की खास बात यह है कि सालों साल इन खिलौनों की चमक और खूबसूरती यूं ही बरकरार रहती है। नमस्ते। हम लोग ने कृष्ण जन्माष्टमी को लेके भगवान श्री कृष्ण की जितने भी विभिन्न लीलाएं हैं, चाहे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे गोवर्धन हुआ, माखन चोरी हुआ, चीरहरण हुआ, पूतना वध हुआ, कंस वध हुआ, सुदामा हुआ, तो ऐसे जितनी भी भगवान श्री कृष्ण की हम लोग कहानियां सुनते हैं या बच्चों को सुनाते हैं या हम लोग के पूर्वजों में हम लोग को सुनाई, तो हम लोग सारी लीलाएं बनाते हैं। और फिर हम लोग उनके जो प्रिय हैं, तोता, मोर, हाथी, घोड़ा और क्या कहते हैं, गाय, तो हम लोग ये सब पूरी उनकी संपूर्ण लीलाओं की झांकी का पूरा बनाते हैं। ऐसे तो इनकी डिमांड पूरे भारत से आती है। जिस जिन जगहों पे श्री कृष्ण जन्माष्टमी लोग मनाते हैं, सब जगह से डिमांड आती है। इस बार हम लोग ने सूरत हुआ, मुंबई में थाने हुआ और आपका दिल्ली हुआ, काफी उन लोगों वहां से मांग आई है और सामान हम लोग ने भेजे हैं। लगभग कितने तरह की झांकियां होंगी और कितनी वैल्यू होगी? अगर आप पूरे सेट की बात करें तो 42 पीस का सेट होता है, जिसमें सब चीज रहता है। और इसकी झांकी की शुरुआत होती है 300 से 400 रुपए से।